परमात्मा का प्रादुर्भाव हो रहा है, उल्लास में भरी हुई संपूर्ण प्रकृति है। प्रकृति के परम आश्रय, प्रकृति को भी सृजन करने वाले परम देव पधार रहे तो प्रकृति उल्लसित होकर उनका स्वागत कर रही है। दिशाओं में प्रसन्नता छाई हुई है, यद्यपि बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है। एक से बड़े भयंकर असुर प्रकृति के अधिकार संपन्न जन है, बड़े बड़े जरासंध, कितने कितने ऐसे, और कंस के तो बल से प्रभावित होकर अपनी पुत्रियों का विवाह जरासंध ने किया था, महान बलि जरासंध। सब तरफ दुख क्लेश अशांति फैली हुई है, पर प्रभु का अवतार हो रहा है तो इस समय आनंद ही आनंद छाया हुआ है। स्वयं नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवरों में रात्रि में ही कमल खिल उठे, वृक्षों की शाखाएं बिना ऋतु के पुष्प और फल से संपन्न हो गए। जो भजन करने वाले यत्र तत्र साधु महात्मा है उनको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि उनके प्राणाराध्य प्रकट हो रहे हैं। वायु सेवा कर रही, शीतल मंद सुगंध प्रवाहित हो रही, देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए अपने आप बजने लगी, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंधर्व किन्नर एक अलौकिक प्रेरणा से गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं रात्रि के समय। सिद्ध चारण बड़े बड़े पदाधिकारी लोग के लोकपाल जो ईश्वर कोटि के हैं सब स्तवन कर रहे हैं। एक अद्भुत जो समाधि में आनंद प्राप्त होता है महंत योगी जनों को, आज सबको स्वाभाविक एक शीतलता शांति एकाग्रता परमानंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। अनंत सूर्य अनंत चंद्रमाओं जैसा, जहां कंस का कड़ा पहरा है, राक्षसी स्वभाव के मायावी द्वारपाल है जो कोई सूक्ष्म रूप धर के भी आ जा नहीं सकता है, ऐसे मायावी है कंस के पास जो उस समय वर्तमान में द्वारपाल लगे हुए हैं, क्योंकि उसको भय है ये आखिरी संतान है, यही मेरी मृत्यु का कारण होगी, बहुत सावधान है। जैसे अनंत सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हो, ऐसे मथुरा में कंस कारागार में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज विशाल नयन, वक्षा स्थल पर दिव्य श्रीवत्स चिन्ह भृगुलता भृगु जी के चरण चिन्ह, रत्नहार धारण किए विविध आभूषण दिव्य कांति किरीट मुकुट कुंडलधारी, अंग अंग से सौंदर्य और ऐश्वर्य टपक रहा है, सौंदर्य और ऐश्वर्य अंग अंग से। ऐसा दिव्य अद्भुत रूप देखकर वसुदेव देवकी कितने कष्ट में थे, विचार कीजिए कितने कष्ट, ऐसे दुष्ट स्वभाव के शासक और उसको भय है कि इनसे संतान जो होगी मेरी मृत्यु का कारण, बड़ा कष्ट में जीवन, घोर अंधकार में जेल में हाथ कड़ी पीड़ी पड़ी हुई, हमें थोड़ा कष्ट होता है हम भगवान को शिकायत करने, ये इतने महान तप संपन्न है कि भगवान की पिता होने का सौभाग्य, पर कैसा कष्ट है, घोर पहरा है। उस अंधकार में ऐसे तेजोमय रूप को देखकर अद्भुत आनंद वसुदेव और देवकी जी को हुआ। भगवान प्रकट होकर उन्हें अभय वचन दे, अब आप डरो मत, जहां मैं पधारता हूं वहां क्लेश परंपरा ही खत्म हो जाती है, तुम्हें याद कराने के लिए बता रहा हूं, तुमने पूर्व में हमारे को प्राप्त करने की तपस्या की है। भगवान के इशारे से उनको पूरा बोध हो रहा है, तुम कंस के भय से अधीर हो रहे हो, कंसादह मधीरधी, अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं, जो मुझे स्वीकार कर लेता हो जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं काल का भी उसके ऊपर भय नहीं रहता, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप से अंतर्धान होकर बाल रूप हो गए, रुदन करने लगे। भगवान का वो बाल रूप द्विभुज, चतुर्भुज ईश्वरी रूप, द्विभुज बाल रूप देवकी की गोद में, अब तो देखकर बहुत ही अधीर हो गए, क्योंकि वात्सल्य उमड़ा तो ईश्वरी का विस्मरण हो गया। ईश्वरी रूप इसीलिए दिखाया कि तुम भय मत करो, मैं सर्वलोक महेश्वर भगवान हूं, पर जीव ही बाल रूप में इंद्र नीलमणि कांत स्वरूप, अब तो अधीर हो गए और रुदन करते कि प्रभु जहां ये सूर्य उदय हुआ द्वारपालों ने बताया जाके तहां वो दुष्ट आएगा और आपको मार देगा, मैं बहुत अधीर हो रहा हूं प्रभु, मेरा ज्ञान कार्य ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वात्सल्य वात्सल्य के आगे ये सब नहीं चलता, भगवान का ईश्वर्य भी वात्सल्य के आगे नहीं चलता, प्रभु मुझे आपकी रक्षा के लिए बहुत भय है। प्रभु ने कहा यद्यपि तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, पर आप वात्सल्य के कारण भयभीत हो रहे हो तो मुझे गोकुल पहुंचा दो, और वहां मेरी महाशक्ति योग माया प्रकट हुई है, तुम उसको ले आओ, मुझे वहां पहुंचा दो, तुम निर्भय रहो। भगवान का शिष्य रूप जो देवकी की गोद में था, कितना कष्ट, अखिल लोक आनंद सिंधु गोद में है, वो कह रहे मुझे अभी पहुंचा दो। वसुदेव जी की गोद में प्रभु को विराजमान करती है, हृदय में कितनी पीड़ा होगी, नवजात शिशु अभी आंखों से उजल, जिसके दर्शन मात्र से
परमा आह्लाद परम सुख वो अभी जा रहा है। विचार करो, ये भगवदानंद कायर पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, ये शूरवीरों को प्राप्त होता है जो हर स्थिति में प्रभु के सुख का चिंतन करते हैं, अपने सुख दुख की तो परवाह ही नहीं जिसे, तभी साधु संग से भजन करते करते ऐसी स्थिति होती है। भगवान वसुदेव जी की अब गोद में है, वसुदेव जी भगवान की महिमा का स्मरण करते हैं, हृदय से लगाते हैं तुम्हें कैसे दूर करूं, तुम्हें कैसे छोड़ के आऊं, इतना तो कष्ट भोगते रहे, अन्य पुत्रों का वध कर दिया गया, अब आनंद सिंधु आप मेरे हृदय से लगे, वो भी अब हम ही आपको जाके छोड़ करके वापस आपको आए, पर आपके सुख के लिए हमें जाना पड़ेगा, पर जाऊं तो कैसे जाऊं, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, लोहे के बहुत मजबूत दरवाजे और शस्त्र धारण की हुई आसुरी स्वभाव वाले मायावी राक्षस वो द्वारपाल बने खड़े हैं, अत्यंत विषादग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा सोचते ही देखा कि हथकड़ी और बेड़ियां टूट कर गिर गई, प्रसन्नता हुई, कदम आगे बढ़ाए तो देखा अपने आप दरवाजे खुल गए, बड़े विशाल लोह कपाट अपने आप खुल गए, जिसके छाती में अखिल लोगों के स्वामी प्रभु बाल रूप से विराजमान है, अब उसको कौन सा बंधन बांध सकता है। जो भगवान को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा सदैव बसाए रखता है उसको मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में निवेदन किया है कि हमारी साधना का फल है अखंड स्मृति, हर समय प्रभु के चिंतन में रहते हुए जो भी व्यवहार कार्य है वो करें, कोई नहीं बांध सकता।